उसको निकाल करके बाहर लाएंगे और कानून के शिकंजे में डाल करके उसको सजा दिला करके इस क्षेत्र के विकास को बाधित करने का पाप इन माफियाओं ने और उनके गुर्गों ने किया है। यह क्षेत्र मेहनती था, पुरुषार्थी था, देश और दुनिया के अंदर जहां कहीं भी मऊ आजमगढ़ और बलिया के लोग गए, इन्होंने अपने परिश्रम से, अपनी प्रतिभा से, अपने पुरुषार्थ से वहां पर एक नई दिशा देने का काम किया। लेकिन यहां पर माफिया दीमक की तरह यहां को चाटते रहे, इसको घोखला करते रहे, यहां के विकास को बाधित करते रहे, विकास के लिए आने वाले पैसे को इन लोगों ने अपनी बड़ी बड़ी संपत्ति बनाकर हवेलियों को बनाने में लगाया, विकास के लिए आने वाले पैसे को चक्कर जाते थे, गरीब के आने वाले पैसे को चक्कर जाते थे और स्वयं के परिवार के लिए, स्वयं के लिए उस संपत्ति को हड़पने का पाप जो किया है आप उसी बात की भरपाई उनसे और उनके खानदान से सरकार करवा रही है। कभी माफिया मुख्तार अंसारी का गढ़ कहे जाने वाले यूपी के मऊ में गुरुवार को मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का आगमन हुआ। कलेक्ट्रेट में आयोजित कार्यक्रम में उन्होंने जिले को करोड़ों की सौगात दी। जनसभा को संबोधित करते हुए उन्होंने कहा कि माफिया चाहे जितना भी मजबूत हो जाए, चाहे वो कहीं भी छिप जाए, पाताल से भी निकाल कर कानूनी प्रक्रिया के तहत सजा दिलाएंगे। अपराध और जीरो टॉलरेंस पर सरकार की नीति स्पष्ट है, विकास कार्यों में बाधक बनने वालों को नहीं छोड़ेंगे। सीएम योगी ने किसी का नाम तो नहीं लिया लेकिन कहा कि माफिया और इनके खानदान से पाई पाई की वसूली होगी। माफिया ने पूर्वांचल के विकास को खोखला कर दिया है लेकिन हमारी सरकार ने शिकंजा कसना शुरू कर दिया है। सीएम योगी ने कहा कि डबल इंजन की सरकार में देश और प्रदेश का बहुमुखी विकास हो रहा है। मुख्यमंत्री कलेक्ट्रेट परिसर में 204 करोड़ की 47 परियोजनाओं के लोकार्पण समारोह को वो संबोधित कर रहे थे। संबोधन के दौरान सीएम योगी ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में भारत विश्व की पांचवी आर्थिक शक्ति के रूप में उभरा है। कभी भारत पर शासन करने वाले ब्रिटेन की अर्थव्यवस्था हमारे देश से भी पीछे हो गई है। उन्होंने कहा कि उन्होंने प्रण लिया है कि प्रदेश को देश की सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बनाएंगे। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने सक्षम लोगों से जनपद के औद्योगिक विकास के लिए आगे आने को कहा और भरोसा दिया कि सरकार ढांचागत मूल सुविधाएं उपलब्ध कराएगी। उन्होंने गांव से लेकर नगर पंचायत तक औद्योगिक विकास में सहभागिता के लिए लोगों से आह्वान किया। सीएम योगी ने कहा कि मऊ पंडित श्याम नारायण पांडे की जन्मभूमि है, जिन्होंने अपनी रचना हल्दी घाटी के माध्यम से स्वाभिमान जगाया था। मुख्यमंत्री ने कहा कि उन्होंने 5 साल में 15 लाख युवाओं को सरकारी नौकरी दी है, 1,61,00,000 युवाओं को योजनाओं के माध्यम से रोजगार सुलभ कराया गया है। गुरुवार को मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने 47 विकास परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास किया। मऊ और बलिया जनपद में मेडिकल कॉलेज की स्थापना के लिए जिला प्रशासन को आदेश दे दिया गया है, भूमि उपलब्ध होते ही प्रक्रिया शुरू करा दी जाएगी। सीएम ने बताया कि ग्रामीण अंचल का कोई व्यक्ति अगर अपने पूर्वजों के नाम पर सड़क, भवन, बारात घर, पार्क के लिए भूमि उपलब्ध कराता है तो उसके निर्माण के लिए सरकार की तरफ से 50% धन की व्यवस्था की जाएगी। इस दौरान सीएम योगी ने कहा कि सड़कें केवल आवागमन का साधन ही नहीं बल्कि विकास का माध्यम भी होती है। उन्होंने बताया कि पूर्वांचल एक्सप्रेसवे के किनारे क्लस्टर बनाकर रोजगार के अवसर प्रदान करने की योजना है, इससे मऊ, आजमगढ़ और बलिया के युवाओं को रोजगार सुलभ होगा। उन्होंने कहा कि पूर्वांचल एक्सप्रेसवे बन जाने से मऊ से लेकर लखनऊ तक पहुंचने का समय आधा हो गया है और इस दौरान मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने विभिन्न योजनाओं के लाभार्थियों को प्रमाण पत्र, चेक और आवास की चाबियां प्रदान की। इसके बाद वो राजकीय औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान और रोडवेज का स्थलीय निरीक्षण करने भी पहुंचे। वीडियो डेस्क amarujala.com। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें। डाउनलोड करें अमर उजाला ऐप और पाएं खबरें लगातार।